हुकूमत का डीजल की किल्लत पर नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त फैसला सामने आया है कि कार्रवाई की जाएगी। इससे मुतालिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जेर सदारत इजलास हुआ। जखीरांदोजों के खिलाफ एक्शन की मंजूरी दी गई है। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को छापे मारने की हिदायत की गई है। जबकि ओग्रा हुकाम का यह भी बताना है कि जखीरांदोजी में मुलविस डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। डीजल के मजाज डीलर्स का स्टॉक चेक और मॉनिटरिंग सख्त की जाएगी। हुकूमत का डीजल की किल्लत पर नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला सामने आया है। और इसी सिलसिले में यह भी सामने आया कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जेर सदारत इजलास में जखीरांदोजों के खिलाफ एक्शन की मंजूरी दे दी गई है। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को छापे मारने की हिदायत की गई है। ओग्रा हुकाम का यह भी बताना है कि डीजल के मिजाज डीलर्स का स्टॉक चेक और मॉनिटरिंग सख्त की जाएगी और जखीरांदोजी में मुलविस डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। वहाब कामरान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। वहाब, और क्या अहकाम जारी किए गए? देखिए, गुज़श्ता रोज ये इतलाहात सामने आई थी कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल का मसनू बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर आज वजारत तवानाई ने नोटिस लेते हुए इजलास मुनाकिद हुए सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टा की जरा, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। और इस इजलास में मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदे भी शरीक थे, ओग्रा हुकाम भी शरीक थे। जखीरांदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है और ओग्रा हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया है कि जांच पड़ताल की जाएगी, छापे मारे जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में और देखा जाएगा कि कौन कौन से डीलर थे जो जखीरांदोजी में मुलाजिम थे और जो भी मुलाजिम नासिर पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई लेते हुए उनके लाइसेंस भी मंसूख किए जा सकते हैं और जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। आपका कामरान आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया।